जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यानी कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि आपके औरंगाबाद ज़िले में स्थित है, इसकी आज मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा। और मैं आपको इसमें आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको औरंगाबाद कैसे पहुँचना है, औरंगाबाद में आपको कहाँ स्टे करना है, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, और साथ ही साथ आपका औरंगाबाद में दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। और अंत में हम ये भी जानेंगे कि औरंगाबाद घूमने के लिए यानी कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके मैं सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा जिससे आपको औरंगाबाद यात्रा करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिलेगी और आपको बजट खर्चे में भी आपको आराम से ये यात्रा हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट होती है हमारी जर्नी यहाँ औरंगाबाद से। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन में आप आ सकते हैं, अगर आपका माध्यम बाई ट्रेन है तो बाई ट्रेन से आप औरंगाबाद पहुँचिए और रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो मिल जाएगी। तो ऑटो वाला आपका लगभग 20 रुपये लेगा पर पर्सन के हिसाब से और आपको वो छोड़ेगा बस स्टैंड। उसके बाद आप चाहें तो बस स्टैंड से जाके आप बस पकड़ सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो ऑटो से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं बुकिंग करके, जो कि 400-500 रुपये लेगा और आपको वो औरंगाबाद के वेरुल में ड्रॉप कर देगा। तो दोस्तों, ये था आपका कि अगर आप बाई ट्रेन आते हैं। अगर इसी में बात करूँ कि अगर आपका ऑप्शन फ्लाइट है तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। फ्लाइट का यहाँ से आपका 7 से 8 किलोमीटर यहाँ एयरपोर्ट की दूरी है, तो आप औरंगाबाद एयरपोर्ट भी आके आप वहाँ से ऑटो टैक्सी के द्वारा वेरुल पहुँच सकते हैं जो कि घृष्णेश्वर मंदिर के पास पड़ता है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो मिलेगा और ऑटो से आप जा सकते हैं वेरुल, जो कि आपका लगभग 35-37 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ से आप ऑटो बुक करके भी आप जा सकते हैं या नहीं तो आप चाहें तो बस स्टैंड जाइए, वहाँ से आपको बस भी डायरेक्टली आपको मिलेगी वेरुल तक के लिए, तो आप बस से भी जा सकते हैं। ऑटो वाले को कॉस्ट अगर आप बुक करके जाते हैं तो दोस्तों वो आपको 400-500 रुपये चार्ज करेंगे। वही अगर आप शेयरिंग में यानी कि बस में जाना चाहते हैं तो बस में आपका वो 50 रुपये चार्ज लगेगा और आप वेरुल तक पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम वेरुल पहुंच चुके हैं और अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको पार्किंग स्थल भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए और आप दर्शन करके वापसी हो सकते हैं। 100 रुपये आपका पर डे के हिसाब से चार्ज होता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी या फिर अगर अपनी कार यहाँ पे पार्क करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों की भी फैसिलिटी आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो अभी फिलहाल मैं हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर है श्री घृष्णेश्वर स्वामी जी का, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। पंच स्तंभ के आधार पे बोला जाए तो 12वां ज्योतिर्लिंग हमारा घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अभी फिलहाल मैं हूँ यहाँ पे वेरुल में, जो कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास ये पड़ा। और हम यहाँ से ऑटो लेकर यहाँ आए और यहाँ पर हम दर्शन करने जाएंगे। पीछे आप देख सकते हैं मंदिर है। मंदिर में हालांकि कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है, बट जितना हो पाएगा उतना मैं आपको कवर करता हूँ। और अभी हम चलते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। भीड़ काफ़ी कम है तो मुश्किल से दर्शन भी हमारा 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे मोबाइल कैमरा वर्जित है। तो वहाँ पे आपको सामने ही मंदिर के सामने आपको कुछ दुकान स्टॉल मिल जाएंगी, तो वहाँ आप अपने मोबाइल कैमरा वहाँ रख सकते हैं। दोस्तों, वही अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं और अगर आप कुछ बेलपत्ता, धतूरा, नारियल या फिर कोई फूल वूल लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पर ले सकते हैं। लाइन से आपको वहाँ पर स्टॉल देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप खरीद के भोलेनाथ के दर्शन के लिए हम लाइन में लगते हैं। तो दोस्तों, हम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराज के दर्शन करने के लिए लाइन में लग चुके हैं और आप ओम नमः शिवाय का नारा लगाते हुए आप भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, हर हर महादेव कहते हुए अपनी मनोकामनाएं मांगिए, मत्थे टेकिए और मंदिर प्रांगण से आप बाहर आ जाइए। दोस्तों, ये जो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के जस्ट यहाँ पे बगल में एक यहाँ पे जनार्दन स्वामी जी का मंदिर है, जो कि यहाँ पे मोहनगिरी जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ भी आप आकर दर्शन कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी स्टैचू है। तो यहाँ आप दर्शन कीजिए और इसके बाद अभी हम चलेंगे इन्हीं के आश्रम पे। आपको यहाँ पे रुकने की व्यवस्था और आपको निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था भी है, तो वहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे। तो ये जो मंदिर है मोहनगिरी जी का, ये आपका घृष्णेश्वर मंदिर के जस्ट बगल में, तो आप यहाँ आके भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जनार्दन स्वामी महाराज जी के मंदिर के बगल में यहाँ पे एक शॉप बनी हुई है। तो इस शॉप में आपको सभी चीज़ें जैसे कि माला, चंदन और भस्म, कैलेंडर, बुक जो भी चाहिए यहाँ मिल जाएगी और बहुत ही सस्ते दाम पे, रिजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। तो अगर आप कुछ यहाँ से लेना चाहते हैं तो मंदिर के बगल में ही यहाँ पे आपको एक शॉप मिल जाएगी, जहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ते दामों में मिल सकती है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे भक्त निवास के सामने हूँ, जिसका नाम है ओम शिवेश्वर भक्त निवास। यहाँ पे आपको रुकने की व्यवस्था मिलती है जो कि बहुत ही मॉडरेट कॉस्ट में होती है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये भक्त निवास किसका है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्हीं जगत गुरु आश्रम की तरफ से, ये ट्रस्ट की तरफ से ये भक्त निवास बनाया गया है। तो यहाँ भक्त निवास में आप स्टे कर सकते हैं, जो कि एक रीजनेबल प्राइस पर आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर बात की जाए प्राइस की, तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने श्रद्धानुसार जो यहाँ पर आप दे देंगे 100-150 रुपये, जितनी आपकी हैसियत है उस हिसाब से आप यहाँ पर दक्षिणा देकर आपको एक रूम दे दिया जाएगा, स्टे कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, अगर आप बैचलर हैं, 7-8 लोग हैं, तो आपको एक रूम दे दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको वहाँ पे मैट्रेसेस भी दी जाएंगी, जिसका चार्ज एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपनी स्टे बना सकते हैं, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। वही अगर आप यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं तो आप प्राइवेट होटल में भी रुक सकते हैं। कुछ यहाँ पे भक्त निवास आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी अपनी स्टे बना सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे ये बात थी कि रुकने की, यही अगर बात की जाए तो इन्हीं जगतगुरु जनार्दन स्वामी के आश्रम की तरफ से यानी कि ट्रस्ट की तरफ से आपको यहाँ पे निःशुल्क भोजन भी मिलती है। तो चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि भोजन में आपको किस तरीके से आपको निःशुल्क भोजन मिलती है और इसकी क्या क्या टाइमिंग होती है, थोड़ी सी हम इसकी भी जिक्र कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जनार्दन स्वामी जी के ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे आपको निशुल्क भोजन की व्यवस्था मिलती है, तो आप यहाँ आकर अपने भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसकी दोस्तों अगर मैं टाइम की बात करूँ तो अगर नाश्ते की बात की जाए तो 8 बजे से 9 बजे के आसपास इसका नाश्ते का टाइम होता है। वही अगर मैं लंच की बात करूँ तो दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लंच का टाइम, और डिनर का टाइम भी आपका संध्या 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का यहाँ पे डिनर का भी टाइम होता है। तो दोस्तों आप यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और जो कि काफ़ी स्वादिष्ट भोजन होता है। दोस्तों एक आपको यहाँ पे घृष्णेश्वर मंदिर से थोड़ा सा 200 मीटर आगे आपको यहाँ पे मिलेगा अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थ कुंड के नाम से जिसको जाना जाता है। यहाँ पे एक कुंड है, आप यहाँ आकर स्नान भी कर सकते हैं, आप जल भी ग्रहण कर सकते हैं और यहाँ का जल आप ले भी जा सकते हैं। तो इस कुंड पे आप जरूर आएगा जिसको शिवालय तीर्थ कुंड बोला जाता है। ये स्थान आपका मंदिर परिसर से 200 या 300 मीटर के आसपास आपको आगे पड़ेगा, तो आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमको घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और आना कब चाहिए। दोस्तों वैसे एक दिन पर्याप्त है आपके लिए, यानी कि 1 रात 2 दिन की यात्रा पर्याप्त है। आप अगर दूर से आ रहे हैं, किसी अन्य राज्यों से आ रहे हैं, तो 1 रात आप स्टे करिए और आप आराम से ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेंगे और 1-2 मंदिर जो आसपास में वो भी हो जाएगा। और यही अगर अब बात की जाए कि आपको कब आना चाहिए घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने, तो दोस्तों आप सावन के महीने में या माघ के महीने में, और अगर बात की जाए महाशिवरात्रि पर्व जो शंकर जी का पर्व होता है, इन पर्व में छोड़ दीजिए तो आपको भीड़ ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। अन्यथा अगर आप इन पर्व में आके ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो भीड़ भी ज़्यादा मिलेगी और आपको दर्शन लाइन में लगभग आपको हार्डली 2 घंटा 1.5 घंटा ऐसा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा क्राउड है। लेकिन अभी मैं माघ महीने में आया हूँ जो कि जनवरी है, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ी सी यहाँ पे क्राउड कम है, तो मुझे तो दर्शन हार्डली 10 मिनट में हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 10 मिनट लगा और मैं दर्शन कर लिया। लेकिन अगर यही महाशिवरात्रि पर्व या फिर सावन के महीने में बात की जाए अगर आप आते हैं तो आपको 1.5 घंटा 2 घंटे भी लाइन में लग जाते हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, आप अपनी योजना बना सकते हैं कि आपको कब आना है। दोस्तों आपको मंदिर के पास में ही एक और यहाँ पे सिद्धेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की मंदिर मिलेंगी, तो आप यहाँ भी आके महादेव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं और इनके आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, जो कि आपका मंदिर के पास में ही है, तो आप यहाँ भी आके महादेव के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि कुल खर्चा कितना लग जाएगा घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे आश्रम में स्टे कर सकते हैं, तो जो कि आपको अपने श्रद्धा अनुसार जो भी वहाँ पे अमाउंट देनी है आप वो दे सकते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए जो बने बात करी कि खाने पीने के लिए आपको निःशुल्क यहाँ पे भोजन मिल जाती है, नाश्ता भी मिल जाता है, तो इस तरीके से आप यहाँ खाना भी खा सकते हैं जो कि आपको निःशुल्क मिलेगा। और अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन की, तो आपका सिर्फ ऑटो का खर्चा लगेगा और आपको यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत आपको शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके जो भी खर्चे अगर ऐड किया जाए, तो मान के चलिए कि पर पर्सन के हिसाब से मैक्स टू मैक्स आपका 1500 से 2000 रुपये लगेगा और आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ आ सकते हैं औरंगाबाद और आप 12वें ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। और दूसरी चीज़, आपका इंस्टाग्राम तो है ही, तो वहाँ पे भी आप आकर मुझसे जो भी क्वेरीज हैं आपकी वो पूछेगा, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले मेरे चैनल यात्रा बस को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। हर हर महादेव। जय हिंद।